दूसरी बात, कल परसों यहां एक पत्रकार साथी के साथ कुछ धक्का मुक्की हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि वो जो करते हैं उसे पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। मुझे भी ये महसूस होता है। बहुत लोग आज मीडिया में जो कर रहे हैं उसे पत्रकारिता तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इस आंदोलन में आज इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, और हिम्मत इसलिए है कि हम सच पे खड़े हैं, हमें छुपाने को कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी पत्रकार आता है, मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, कोई भी पत्रकार आए, किसी भी नियत से आए, वैसे अमूमन मैं कहता हूं कि ज्यादातर पत्रकार ठीक ठाक लोग होते हैं, ये कर्मचारी हैं। जो सारी बदमाशी होती है वो मालिक करता है ऊपर, कर्मचारी आमतौर पे नहीं करता। लेकिन कई पत्रकार होते हैं जो खुद बदमाशी कर रहे होते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपने मुझे साथी माना है, तीसरी बार बुलाया है, तो इतना हक मेरा भी है कहने का, आने दीजिए किसी भी पत्रकार को, किसी भी बदमाशी की नियत से आए उसको भी आने दीजिए, उसको बैठा लीजिए बीच में, कहिए बेटा पूछ पूछ, इस दादी से सवाल पूछ ले, चलिए बच्चा बैठा है इससे पूछ ले किसी से, हमें छुपाने को कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं भगाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारी हिम्मत और ताकत का सबूत होगा। ये बात जरूर है कि रवीश कुमार को जो प्यार मिलेगा वो प्यार हर कोई मांग नहीं सकता।